फिर से वेलकम है मेरे चैनल खालसा इलेक्ट्रिकल्स पे, और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन और ईद की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास वायरिंग का पार्ट 3, तो ये है वीडियो पार्ट 3। इस वीडियो में आपको बताऊंगा वायरिंग कैसे करते हैं बिना ड्राइंग के अपने घरों में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हम स्लैब में जो हम फैन बॉक्स डालते हैं उन फैन बॉक्स को खोलेंगे, जितने भी फैन बॉक्स हैं उनको खोलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मिट्टी डालते हैं, रेता डालते हैं, बालू डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अखबार का यूज़ करते हैं। काफ़ी बेस्ट आइडिया है, देखो अखबार निकल रही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ 99% वायरिंग सीख जाओगे। तो हम क्या करते हैं, फैन बॉक्स साफ करते हैं, उसके अंदर हमने डाल रखी है अखबार, अखबार को निकालेंगे। अखबार निकालने के बाद जितने भी हमारे जो बॉक्सेज हैं उसके पाइप एक्स्ट्रा पाइप काटेंगे, जो मॉडुलर बॉक्सेज हैं उसके एक्स्ट्रा पाइप काटेंगे, जो हमारी डिब्बियां हैं, ये देखो ये बॉक्स है, 6 मॉडल का बॉक्स है ये है, ये एक्स्ट्रा पाइप थोड़ा सा रखते हैं कि बाद में काट लें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितने भी एक्स्ट्रा पाइप हैं उनको काटेंगे। पहले हम फैन बॉक्स को साफ करेंगे, डिब्बियों को साफ करेंगे। दीप जंक्शन बोलते हैं उसको, जंक्शन भी बोलते हैं, दीप जंक्शन स्लैब में डालते हैं उसको बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पाइप एक्स्ट्रा रखते हैं कि बाद में काट लें, ये करना बहुत ज़रूरी है। वायरिंग करने से पहले हम इनको साफ़ करते हैं, बोर्डों को भी साफ़ करते हैं, उसके बाद करते हैं इसमें वायरिंग। तो अच्छी तरीके से बोर्ड को साफ़ करना है, पाइपों को काटना है। पाइप काटने के बाद वारी आती है वायरिंग की। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और ये मेरा पार्ट 3 बना दिया है। तो ये पार्ट 3, इसके बाद पार्ट 4 भी आएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। पार्ट 4 भी बहुत ही अच्छा है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो ये देखो डिब्बियों को भी हम खोलेंगे, इसकी जो एक्स्ट्रा पाइप है उसको भी काटेंगे। और पाइप काटने के बाद ये हमारे यहाँ पे मैंने पार्ट 2 में दिखाया था, 4 रूम हैं, 2 किचन है, टॉयलेट बाथरूम है, तो हर रूम सेम है। तो हर रूम का जो सर्किट है हम अलग अलग डालेंगे, क्योंकि हर रूम में हीटर चलना है, पावर का भी दे रखा है, तो उसी के हिसाब से हम वायर डालेंगे। और कौन सी वायर कहाँ भी यूज़ करेंगे, फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहें, आगे आपको एक ही चीज़ पता चलता रहेगा। तो हमने क्या किया, सारे फैन बॉक्स डिब्बियाँ सबको खोल लिया, और ये है स्टील वायर। हम स्टील वायर का यूज़ करेंगे। एक स्प्रिंग भी आता है फ्रेंड्स, मुझे मालूम, मैंने पार्ट 2 में स्प्रिंग दिखाया, बट उसका भी यूज़ होता है, बट यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो स्टील वायर का भी हम यूज़ करेंगे। अब ये आपको दिख रहा होगा MCB बॉक्स, यहाँ पे 4 रूम के सर्किट, ब्रांडे का, टॉयलेट का और किचन का यहाँ पे सर्किट आएगा। और ये आप देख रहे हो, ये लाइन हमने ये सीधी सीधी हमने मिला रखी है MCB बॉक्स तक, पाइप डाल रखा है। 2 फैन बॉक्स हैं ब्रांडे में, और वहाँ पे जो किचन के पास है वहाँ पे है कंसील्ड बॉक्स। तो अब हम इसमें करेंगे वायरिंग, और ये 4 रूम है इनमें करेंगे वायरिंग। वायरिंग कैसे करेंगे, उससे अब हम क्या करेंगे वायरिंग। वायरिंग करने से पहले जो हमारी जो स्टील वायर है, स्टील वायर भी इस वायर को बनाएंगे कुंडी, ऐसे करके बनाएंगे कुंडी। और कुंडी बनाने के बाद अब हमने जहाँ से वायर डालनी है, जहाँ से इजी हो रहा है, जिधर से इजी हो रहा है वहीं से हम वायर के लिए स्टील वायर डालेंगे पाइप के अंदर। तो देखो स्टील वायर डाल लें, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा दूसरे चैनल की तरह, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी है और हर एक चीज़ है इसमें। तो हमने वायर, स्टील वायर डाल दी है, ब्रांडे से हमने डाली है रूम में, तो ये रूम में वायर आ गई है। अब हम इस वायर को देखो, स्टील वायर आ गई है, इस वायर को हम निकालेंगे। अब इस वायर के साथ ये हमारी रूम में आ गई है, ये देखो ब्रांडे से हमने रूम में वायर डाली, आपको दिख रहा होगा स्टूल। अब इसके साथ हम बांधेंगे वायर, सर्किट वायर हम यूज़ करेंगे 2.5 mm की वायर का यूज़ करेंगे, जो सर्किट वायर होती है 2.5 mm की वायर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इन्वर्टर की वायर का भी यूज़ करेंगे। ये देखो 3 वायर हैं, 2.5 mm का न्यूट्रल है, 2.5 mm का फेस है, और जो इन्वर्टर की है वो 0.75 यानी कि 0.5 mm की वायर है। ये न्यूट्रल की ब्लैक कलर की वायर है, ये जो वाइट कलर की वायर है ये इन्वर्टर की है,
और ये है फेस की। ये तीन वायरें यूज़ करेंगे सर्किट के लिए। यहाँ पे एक वायर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो होती है अर्थिंग की। तो कोई करवाता है कोई नहीं करवाता है, यहाँ पे एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम नहीं डाल रहे हैं, तो ये तीन वायरें ही यूज़ करेंगे, नहीं तो अर्थिंग की डालेंगे तो चार वायरें सर्किट की होती हैं, वैसे अर्थिंग नहीं डालेंगे तो तीन होती है। तो ये तीनों वायरों को हम बांधेंगे स्टील वायर के साथ। अभी देखो बांध लिया है, बांधने के बाद हम वायर को खींचेंगे रूम में। ये और एक चीज़ का ध्यान देना है, वायर को ऊपर उठा के रखना है। अगर ये वायर छिल गई तो काफ़ी प्रॉब्लम करता है बाद में, मैं आगे बताऊँगा प्रॉब्लम क्या होता है। वायर को उठा के रखना है जिधर से वायर खींचेगी। क्या होता है, पाइप काटने के बाद जो फैन बॉक्स होता है वहाँ पे वायर छिलती है, अगर ऐसे हमने छोड़ दी, जैसे अभी लटक रही है, ऐसे नहीं छोड़ना है, वायर को उठा के रखना है कि वायर हमारी छिले ना। और ये वायर हमने निकाल ली है दूसरे रूम में। ये देखो यहाँ से हमने बंडल से वायर लगाई है ब्रांडे से रूम के लिए। ये तीन वायरें लगी हुई हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे तीनों बंडल लगे हुए हैं, ये तीनों इस रूम में, ये है रूम। इस रूम से सर्किट जाएगा दूसरे रूम में। अभी हम पहले सर्किट डाल लें, ज़रूरी नहीं है, हम सर्किट भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, हाफे भी डाल सकते हैं। तो हम पहले सर्किट डाल लें, तो इस रूम से सर्किट जाएगा उसके दूसरे रूम में, गया है इसी फैन बॉक्स से। तो आप देख रहे होंगे हमने पाइप के अंदर वायर डाल दी, अभी हम दूसरे रूम में जाकर खींचेंगे वायर को, खींचेंगे जो सर्किट वायर है। ये दूसरे रूम में मैं पहुंच गया हूँ और इस वायर को खींचेंगे, इस फैन बॉक्स के अंदर से वायर को निकालेंगे। ये वायर है, इसको हमने बिना स्टील वायर के भी आती है वायर कोई, क्योंकि हमारा जो पाइप है 1 इंची का पड़ा है, प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जहाँ पे 1.25 इंची का पाइप पड़ता है 20 mm का। तो हमने ये वायर निकाल ली है इस रूम में। अब ये रूम में हमारा सर्किट आ गया है फैन बॉक्स तक, और जो हमारा जो दूसरा रूम था वहाँ से हम सेट करेंगे कि हमारी वायर पूरी है। सेट करने के बाद ये आ गया हमारा इस रूम में सर्किट आ गया है। अब इस रूम की हम करेंगे वायरिंग। देखो तीन वायरें आ गई हैं सर्किट की। अभी हमने बंडल को नहीं काटा है, जो बंडल के साथ वायर आ रही है अभी उसको कट नहीं किया है। अभी ये जो आप स्विच बोर्ड देख रहे हो, इस स्विच बोर्ड तक ही वायर आएगी है सर्किट वायर। अब क्या करेंगे, ये जो हाफे हैं अब हम बल्ब के लिए डालेंगे वायर। एक हमने ले लिया है हाफ और एक ले लिया है न्यूट्रल। तो जो न्यूट्रल है वो है 1.5 mm की वायर 1.5, और जो हाफ है यानी कि जो बल्ब की वायर है वो हम डालेंगे 1 mm की। फैन के लिए भी हम 1 mm की वायर का यूज़ करेंगे, 1 mm की वायर बेस्ट होती है। तो ये देखो दो वायरें, बल्ब जलाने के लिए हमको दो वायरें ही चाहिए होती, तो दो वायरें हमने ले ली हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखना, अब इन दो वायरों को हम डालेंगे बल्ब के लिए डिब्बी में, जंक्शन बोलते हैं, वैसे हम डिब्बी बोलते हैं, इजी होता है। तो ये हम डालेंगे डिब्बी में जंक्शन में दो वायरें। देखो आप ध्यान से देखना इस चीज़ को। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, उस टाइम गार्टर था लोहे का जो होता है, तो इसलिए थोड़ा सा पाइप रह गया था। अब ये बाद में हम डाल देंगे वायरिंग करने के बाद फ्लेक्सिबल लगा के। तो यहाँ पे देखो दो वायर हमने निकाल दिए, ये बल्ब के लिए आ गया पॉइंट। अभी ध्यान से देखना फ्रेंड्स इस चीज को, दो वायरें हमने निकाल दिए, और जो न्यूट्रल है वो 1.5 mm का है। अब उन दोनों वायरों को डालने के बाद, और बिना स्टील वायर के डालिए, ये देखो दो वायरें डालनी हैं। अभी जो दो वायरें हमारी हैं उन दो वायरों में से हम क्या करेंगे, अब नापेंगे। एक वायर को लेके हम नाप लेंगे, हम लेंटर से भी नाप सकते हैं, ऐसे भी करके एल बना के भी नाप सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। तो अब हम एक वायर को नापेंगे स्विच बोर्ड तक, जो हमारा स्विच बोर्ड है वहाँ तक हम नापेंगे। ये देखो एक वायर को हम नापेंगे स्विच बोर्ड तक, कि हमारी जो वायर हैं स्विच बोर्ड में ही आएगा, क्योंकि कंट्रोल स्विच बोर्ड से होना है तो वायर भी स्विच बोर्ड में आएगी। इस स्विच बोर्ड तक नापने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे कि वायर छोटी ना हो, हमको जोड़ना लगाना पड़े।
अब ये वायर तो नाप ली हमने, एक वायर नाप लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के हम काट देंगे। और यहाँ पे भी हमारा पॉइंट आना है बल्ब का, यानी कि एक रूम में दो बल्ब आने हैं, तो हमने एक बल्ब की वायर डाल ली है, न्यूट्रल भी डाल लिया, और न्यूट्रल को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि उसको जो है फैन को भी हम उसी से ही न्यूट्रल देंगे, दूसरे बल्ब को भी उसी से ही न्यूट्रल देंगे। अब हम डिब्बी से डालेंगे स्टील वायर, स्विच बोर्ड में लेने के लिए वायर को डालेंगे। अभी यहाँ से हम डालेंगे फैन बॉक्स में निकलेगी ये वायर, अभी यहाँ से स्टील वायर डाल ली यहाँ फैन बॉक्स में। आप देखो तीन सर्किट की वायरें हैं और दो वायरें ये हैं। अब उस स्टील वायर के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारी सर्किट की वायर है हम उसको लगाएंगे, और ये जो हमने जो बल्ब के लिए वायर डाली है उसको लगाएंगे, और उसके बाद एक वायर और लगाएंगे, वो है फैन की। सिर्फ एक वायर लगाएंगे, वो है फैन की, उसको लगाएंगे 1 square mm की वायर लगाएंगे, उसको बोलते हैं हाफ, क्योंकि न्यूट्रल हमने बल्ब के लिए पहले ही डाल दिया है, न्यूट्रल हमने बल्ब के लिए पहले ही डाल दिया है। अब देखो हम हाफ लगाएंगे, अभी हमारे हाथ में सर्किट है और न्यूट्रल और एक हाफ और लगाएंगे। ये हाफ उठा के दे दिए मेरे को, मेरे साथ मोहित काम कर रहे हैं। ये हमने हाफ लगा दिए, वायर को 1 inch के आसपास छील लिए हैं। ये देखो दो हाफे हैं, दो ब्लू कलर की वायर हैं, आप कलर पे ध्यान दो, दो ब्लू कलर की है और जो न्यूट्रल है वो ब्लैक कलर का 1.5 mm है। अब उस स्टील वायर में हम लगा देंगे फैन के लिए एक वायर, तो यहाँ से ले लेंगे जो हमने बल्ब के लिए जो 1.5 mm की वायर डाली है वहाँ से लेंगे हम न्यूट्रल, उसी को बोलते हैं कट न्यूट्रल। और वायर को अच्छी तरीके से स्टील वायर के साथ बांधने का है कि बाद में बीच में निकले ना, दोबारा हमको मेहनत ना करनी पड़े, और इस तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स दो वीडियो और भी बनाई हैं, उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो थोड़े से बड़े प्रोजेक्ट पे वायरिंग है। मैंने बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि काम की जो शुरुआत होती है छोटे से ही होती है, अगर छोटे से आपको समझ में आ गया तो आप बड़ा ही बहुत इजी होता है। जैसे कि हम एक रूम में जैसे हम वायरिंग करते हैं सेम उसी तरीके से हर रूम में वायरिंग करेंगे। अभी हमने दो हाफे लगा दिए, एक बल्ब की और एक फैन की, और एक कट न्यूट्रल है, और बाकी हमारे सर्किट की तीन वायरें हैं, उन वायरों को खींचेंगे हम ये यहाँ पे। ये जो हमारी डिब्बी है जो जंक्शन है, वायर को देखो उठा के रखना है, वायर ऐसे छिल गई तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ पे जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे हम RCCB भी लगाएंगे, अकेले भी वायर डाल सकते हैं, जब रूम छोटे होते हैं तो ऐसे ही वर्क होता है। वायर को उठा के रखने का है, अब ये सारी वायरें यहाँ डिब्बी में आएंगी जंक्शन में। ये आ गई वायरें, अब जो हमने स्टील वायर लगाई है उस वायर को खोलेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा प्लास्टिक कटर खराब हो रखी है, तो आप ये मत समझना कि कटर चल नहीं रहा है कैसा इलेक्ट्रीशियन है, क्योंकि जो हमारा जो प्लास था वो नया प्लास दूसरी साइड पर रह गया था, ये दूसरी साइड है। सभी वायरों को खींच लेने का है इस डिब्बी में। अब देखो क्या करेंगे, जो सर्किट वायर है उसको हम निकाल लेंगे, और जो हमारी दूसरी वायर है हाफ और न्यूट्रल है उसको भी हम निकाल लेंगे। देखो न्यूट्रल है हमने वहाँ पर क्या किया है, निकाल लिया है, जो बल्ब का न्यूट्रल है हमने वहाँ पर मोड़ दिया है, हमने कट नहीं लगाया, बल्ब का न्यूट्रल हमने वहाँ पर मोड़ दिया है, और उस न्यूट्रल के साथ हमारा फैन को न्यूट्रल मिलेगा। ये हम हाफ काट रहे हैं, अपना बंडल खाली कर रहे हैं, ये ब्लू वाली वायर हमने काट दी है, अब इसको हम मोड़ देंगे। बाकी ये जो ब्लैक कलर की ये जो वायर है इस अभी थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, तो उसको अभी हम थोड़ा सा खींच लेंगे। न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेंगे, जो बल्ब का न्यूट्रल है हम इसके लिए अलग से नहीं डालेंगे, इसको बोलते हैं कट न्यूट्रल। तो ये दो वायरें हमारी हो गई, एक न्यूट्रल और एक हाफ,
इतना तो आपको समझ गए फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी। तो ये दो वायर हो गई यहाँ पे, एक न्यूट्रल हो गया और एक हाफ। तो फैन के लिए यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया। अब उस वायर को क्या करेंगे, मोड़ देंगे कि हम और वायर डालें तो वो दूसरी वायर खींचे ना। कुछ लोग मोड़ देते हैं, कुछ लोग गांठ मार देते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। वायर निकलनी नहीं चाहिए, अगर वायर निकल गया तो आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को भी करना पड़ेगा। और इस टाइम गर्मी बहुत हो रही है फ्रेंड्स, वर्क तो कर रहा हूँ, आपको तो मेरा फेस देख के, हालत देख के पता चल रहा होगा कितनी गर्मी हो रही है। क्या करें, काम तो करनी है। ये सारी वायरें हमारी आ गई इस डिब्बी में, आपको यहाँ तक तो आ गया समझ में। इसके बाद में अब ये हमारी आएंगी बोर्ड में। देखो बोर्ड से थोड़ी सी लॉन्ग है, अब हम बोर्ड के लिए वायर डालेंगे। बट वहाँ पे जहाँ पे ये वायर आई है यहाँ पे भी एक बल्ब आएगा, तो एक हाफ हम और लगाएंगे, ये एक हाफ और लगाएंगे, ब्लू वायर एक और लगा देंगे। अब ब्लू वायर हो गई है हमारी तीन, एक फ़ैन की, दो बल्ब की, और जो न्यूट्रल है जो अभी हमने फ़ैन के पास मोड़ा है उसी न्यूट्रल को हम यहाँ पे मोड़ देंगे। अब यहाँ पे बिना स्टील वायर के हो जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ रूट है, आराम से चला जाएगा। वायर ज़्यादा होती है तो बिना स्टील वायर के भी चली जाती है। देखो अब हम सभी वायरों को स्विच बोर्ड में ले रहे हैं, स्विच बोर्ड के नीचे आ रहा है वायर, पाइप में आ रहा है स्विच बोर्ड में। जो हमारा मॉडल ये है 12 मॉडल का स्विच बोर्ड, पार्ट वन में मैंने बताया कौन सा स्विच बोर्ड कैसे लगाते हैं, मेटल का बॉक्स किस हिसाब से लगाते हैं। तो ये सारी वायरें यहाँ पे आ गई हैं। और जो ऊपर है, ऊपर हमारी एक जहाँ से अभी वायर डाली है वहाँ पे एक हमने ब्लू वायर डाली है, उस वायर को अब हम कट करेंगे। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ वो ब्लू वायर, जो ब्लू वायर है उस, ये अभी स्विच बोर्ड में वायर आ गई है। देखो स्विच बोर्ड में हमारा एक फेस आया, एक न्यूट्रल आया और एक अर्थिंग और एक कट न्यूट्रल, और हमारे तीन आ गई हैं हाफें। ये हमारी स्विच बोर्ड एक रूम की होगी वायरिंग। अब ये देखो अभी बंडल के साथ हमारा लगा हुआ है, हम उस बंडल को खाली करेंगे, जो हमारी हाफ है उस वायर को हम काटेंगे। ये है हाफ, देखो ऊपर से जो ब्लू ब्लैक कलर का जो न्यूट्रल आ रहा था उसको हमने यहीं पे मोड़ दिया है, ये देख सकते हो आप, 1.5 mm का कट न्यूट्रल है। और जो सर्किट है वो 2.5 mm का न्यूट्रल है, 1.5 mm का न्यूट्रल हमने यहीं पे मोड़ दिया है। और ये जो हाफ है हम इस हाफ वायर को कट कर लेंगे, इसको प्लास से काट लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मोड़ देंगे। हमको यहाँ पे न्यूट्रल भी मिल गया और हाफ भी मिल गई, यहाँ पे होगी दो वायरें। अब वो सारी वायरें आ गई हमारी स्विच बोर्ड में फ्रेंड्स, जिस हिसाब ऐसे ही हम सब रूम के करते हैं। ये देखो तीन हो गई हाफें, एक ये तीन हो गई हाफें, यानी कि एक फ़ैन की, दो बल्ब की और एक हो गया एक कट न्यूट्रल। ये कट न्यूट्रल है और ये जो तीन वायरें हैं, एक फेस है और एक न्यूट्रल है और एक इन्वर्टर की है, अर्थिंग की यहाँ पे नहीं डाली है फ्रेंड्स। ये थोड़ी सी हमने लॉन्ग रखी है क्योंकि हमारा एक पावर का बोर्ड है नीचे, तो इसी वायर को हम डाल देंगे, अभी कट करके हम डाल देंगे। थोड़ी सी वायर हमने एक्स्ट्रा भी रखी है, जब बोर्डों की वायरिंग करते हैं स्विच बोर्ड की तो प्रॉब्लम ना हो। अब इस वायर को मोड़ेंगे, नीचे स्विच बोर्ड में दे देंगे फ्रेंड्स। वायरिंग ऐसी करनी चाहिए बिना जोड़ों की, जोड़ नहीं देना चाहिए जिससे कि आगे प्रॉब्लम ना आए। अब हम काट लेंगे उस वायर को, अब यही स्विच बोर्ड से नीचे पावर वाले बोर्ड को सप्लाई पहुंच जाएगी। ये नीचे वायर पहुंच गई है, एक रूम की होगी वायरिंग फाइनल। एक रूम में इतना ही होता है, अभी एलईडी का रह गया, उसका भी मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा, एलईडी टीवी का, सॉरी एलईडी बल्ब का नहीं। ये देखो हमारा सर्किट की वायर हो गई, ये हाफ वे हो गई और वो कट न्यूट्रल हो गया, और नीचे जो है वो पावर के लिए हमने सप्लाई दे दी। आप सोच रहे हो पावर में इन्वर्टर क्यों दिया, क्योंकि क्या है कभी भी कस्टमर का माइंड चेंज हो सकता है, वहाँ पे वो सिंबल भी लगवा सकता है, इन्वर्टर का भी मांग सकता है। तो हम तीनों वायर ही डालेंगे, हर स्विच बोर्ड में डालेंगे तीनों वायर। वायर को हम मोड़ देंगे कि वायर खींचे ना। तो ये एक रूम की तो होगी वायरिंग, और ये जो स्विच बोर्ड है
इसी स्विच बोर्ड से हमने किया है, पीछे भी हम सप्लाई देंगे। वहाँ पे सिर्फ दो स्विच और दो सॉकेट ही लगने। ये देखो रूम की, आप देखो दो बल्ब की वायर है, ये दो बल्ब के पॉइंट है कि हमारा फ़ैन का हो गया, एक रूम की वायरिंग होगी। इसी तरीके से हम सभी रूम की करेंगे वायरिंग। इसके पीछे भी देखो बोर्ड है, अभी यहीं से, यहाँ A6 मॉडल का है ये, यहीं से हम दे देंगे। यहाँ पे हमारे दो सॉकेट लगेंगे और दो स्विच लगेंगे। अब जो हमने जो पहले बंडल लगा रखे थे, अब उन बंडल को क्या करेंगे, अब हम खाली करेंगे। खाली करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा DB बॉक्स है, MCB बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहाँ तक हम नापेंगे। वो देखो वहाँ तक हम नाप रहे हैं, हम स्लैब से भी नाप सकते हैं, ऐसे भी नाप सकते हैं, क्योंकि हमारा रूट एकदम सीधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने वायर को तो नाप लिया है, वायर क्या करेंगे, अब उसको कट करेंगे। इन तीनों वायरों को कट करेंगे। कट करने से पहले ध्यान देना पड़ता है, इसको लगभग 1 मीटर या 1.5 मीटर के समथिंग एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि सर्किट हमारा छोटा ना हो। अगर छोटा हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे कि हमारा सर्किट छोटा ना हो। हमेशा सर्किट वायर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखते हैं। अब इन वायरों को काट लेंगे। और जो लोग कहते हैं सर्किट है, ये जो तीन वायरें होती है जो मेन स्विच बोर्ड से जो MCB बॉक्स में आता है, वही होता है सर्किट। अब हमने एक रूम का सर्किट नाप लिया है, इसी के हिसाब से हम दूसरे रूम के वायरिंग करेंगे, सर्किट इसी के हिसाब से नापेंगे। अब हमने एक रूम की वायरिंग कर ली, अब हम दूसरे रूम में डालेंगे सर्किट। दूसरे रूम में देखो हमने सर्किट डाल लिया है, अब ये जो आप देख रहे हो हम डाल रहे हैं, दूसरे रूम में हमारा सर्किट आ गया है। सर्किट आने के बाद जो हमारा जो LED TV के लिए जो हमने 6 मॉडल का बॉक्स दिया हुआ है ये, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जोड़ नहीं लगाते हैं कभी भी सर्किट में। हम क्या करते हैं, बोर्ड टू बोर्ड उठाते हैं। जैसे इस बोर्ड से हम देंगे अपने स्विच बोर्ड में, यानी कि स्विच बोर्ड से हम ये 6 मॉडल में देंगे। तो देखो मैंने एक न्यूट्रल की वायर लगाई है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर डिब्बी है, वहाँ पे पॉइंट चाहिए और हमको वहाँ पे चाहिए न्यूट्रल फेस इन्वर्टर। तो ये हमने वायर लगा ली, स्टील वायर हमने पहले से डाल ली थी। ये दूसरा रूम है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। तो अब हम वायर को खींच रहे हैं, ये वायर हमने खींच ली है। इसके लिए थोड़े सा न्यूट्रल भी है और हाफ है बल्ब के लिए, और तीन वायरें हैं न्यूट्रल फेस इन्वर्टर जो LED TV के लिए जो सप्लाई देगा 6 मॉडल के लिए, उसके लिए है। अब हम स्टील वायर से वायर को खोल लेंगे। अब ये हमारी वायर आ गई है, तीन वायर इसके लिए आई है बोर्ड के लिए, और दो वायर ऊपर के लिए आई, क्योंकि कट न्यूट्रल हम अलग से डालेंगे, इसके साथ हम छेड़ते नहीं है इसको हम। अब देखो आप फ्रेंड्स, दो वायर आई हैं, मैं एक वायर को गया हूँ भूल। अब देखो मैं एक वायर गया हूँ भूल, हमारा न्यूट्रल आया है, फेज आया है, इन्वर्टर की वायर मैं भूल गया हूँ। अब क्या करेंगे, अब इन्वर्टर की वायर को लाना है। तो अब हमने दो वायरें डाल दी हैं, अब दो वायरें जो हैं वो बंडल के साथ लगी हैं, तो हम एक वायर को क्या करेंगे, लॉन्ग करके खींच लेंगे। अब इस इन्वर्टर की वायर को हम यहाँ पे लेके आना है, तो अब क्या करेंगे, एक किसी भी एक वायर के साथ हम बांध देंगे, या न्यूट्रल के साथ या फेस के साथ। तो एक वायर के साथ अब हम बांध रहे हैं जो हमारी इन्वर्टर की वायर है। और क्या तरीका है वायर के साथ वायर को खींचने का, आप इस चीज़ को भी देखो। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो वायरिंग सीखना चाहते हैं। मुझे मालूम है जो इलेक्ट्रीशियन है वो देखने के बाद वो मेरी कमियाँ ही ढूंढते हैं कि इसने क्या कमियाँ की हैं, बट मैं उन लोगों के लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं। तो ये अब हमने वायर लगा दी है, वायर को मोड़ के टेप कर दिया है। अब हमने फेस के साथ लगाया, देखो वायर के साथ वायर खींच रहे हैं। अभी हमारी बंडल लगा हुआ है तो हम एक्स्ट्रा वायर खींच लेंगे, ये हमारी इन्वर्टर की वायर आ जाएगी। कोई सी वायर हम ऐसे ही खींच सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है फ्रेंड्स। वायर हमने इन्वर्टर की खींच ली है, इन्वर्टर की वायर है 0.75 यानी कि 0.5 mm। जो हमने रेड वायर एक्स्ट्रा खींची थी वायर के साथ वायर, उसको हम बराबर करेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थी, अब उसको हम बराबर कर लेंगे। अभी हमारी तीन वायर आ गई है स्विच बोर्ड के लिए, दो वायर आ गई है हमारी बल्ब के लिए न्यूट्रल और एक हाफ।
अब इन तीनों वायरों को हम डाल लेंगे, 6 मॉडल का जो बॉक्स है मेटल का उसके अंदर डालेंगे। अब वायर को छीलेंगे, तीनों को साथ में करेंगे, फिर पाइप के अंदर डालेंगे। ये हमारी स्विच बोर्ड में आ गई है, अभी नहीं आई। अब हम डालेंगे वायर को, और वायर थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि जब हम स्विच के जब कनेक्शन करते हैं, स्विच में जब वायरिंग करते हैं स्विच सीट में, स्विच बोर्ड में, तो थोड़ी सी वायर लॉन्ग होनी चाहिए कि हमको प्रॉब्लम ना आए बाद में सीट खोलने में निकालने में, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो वायर आ गई, इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब इसके पीछे जो हमारा दूसरा रूम है, देखो आपको दिख रहा होगा होल है, उसके पीछे हमारा 6 मॉडल का बोर्ड है, तो हम यहीं से सप्लाई हम दूसरे रूम में दे देंगे, जिस अभी जिसमें मैंने वायरिंग की थी उस रूम में, यानी कि उस रूम की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी यहीं से। ये हमारी तीनों वायरें आ गई। अब ये तीनों वायरें यहाँ पे आ गई हैं, और जो ये तीनों वायर हैं जो हमने उसके लिए वायर डाली है 6 मॉडल बॉक्स के लिए, उसके लिए हमने 1.5 mm की वायर का यूज़ किया है, न्यूट्रल भी और फेस भी, क्योंकि वहाँ पे पावर का नहीं है। अब उन वायरों को हम सर्किट के साथ नाप लेंगे। जो हमारे बल्ब की, फैन की, और जो LED TV के लिए जो हमने 6 मॉडल का बॉक्स दिया हुआ है मेटल का, उसकी वायर ये यहाँ पे आ गई है स्विच बोर्ड में। इस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी तीन वायरें आई हैं यहाँ पे स्विच बोर्ड में, और यहीं से हम सप्लाई देंगे बोर्ड को। ये देखो, एक हमारी स्विच बोर्ड की है, और एक हमारा सर्किट का फेस है, और ये न्यूट्रल है, और एक है इन्वर्टर की वायर, एक इन्वर्टर की वायर है, एक कट न्यूट्रल है, बाकी ये तीन वायरें हैं नीचे की। जो नीचे का हमारा पावर का बॉक्स है वो वायर, ऐसे ही हर रूम की वायरिंग करते हैं, यहाँ तक कि ब्रांडे की, किचन की, हर रूम की ऐसे ही वायरिंग करते हैं, यही तरीका है वायरिंग करने का। फ्रेंड्स, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो अभी बहुत है, तो बीच में मत छोड़ना, आगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। वैसे मैंने इसके ऊपर 2 पार्ट ऑलरेडी पहले से बना रखे हैं, और एक ड्राइंग के ऊपर बना रखा है। तो ये देखो, ये जो हमने LED TV के लिए एक रूम में दिया है, इसके पीछे एक हमारा दूसरा रूम है, तो इसी रूम से हम दूसरे रूम में दे देंगे। इसी तरीके से हमने वायरिंग की। अगर मैं हर रूम का दिखाता तो वीडियो बहुत बड़ी होती, इसलिए 2 रूम के दिखा दिए। अब यही एक तरीका है वायरिंग करने का। जितने भी हमारे स्विच बोर्ड के जो सर्किट हैं, वो सभी सर्किट हमारे जाएंगे MCB बॉक्स में, जो भी आपको दिख रहा होगा MCB बॉक्स। वो जो MCB बॉक्स है, ये है MCB बॉक्स। पहले आप वायरिंग देख लो, ये वायरिंग हो चुकी है, यहाँ पे टोटल वायरिंग कर दी है, सेम जैसे हमने एक रूम की है, 2 रूम की है, वैसे ही ब्रांड की करनी है, किचन की करनी है, टॉयलेट की करनी है, सेम तरीका वही है, छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट। और एक वीडियो मैंने ड्राइंग के ऊपर बना रखी है, ड्राइंग से मैंने समझा रखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2-3 वीडियो का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको वायरिंग समझ में आ जाएगी। और ये जो हमारी MCB बॉक्स में वायर आ गई, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। बीच में हमारी इन्वर्टर की वायर ख़त्म हो गई थी, तो इन्वर्टर का कलर चेंज हो गया है। तो ये देखो, अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये जो 2 वायर हैं येल्लो कलर की, ये हैं मेन वायर जो मीटर से आई हैं, और ये हैं हमारे रेड फेस, यानी कि ये 7 वायर हैं, 7 सर्किट हैं। तो 7 सर्किट हैं, तो 7 फेस होंगे, और 7 होंगी इन्वर्टर की वायरें। यह है इन्वर्टर की 7 वायर, और 7 हैं न्यूट्रल, यानी कि 7 हैं न्यूट्रल, 7 फेस हैं। यह है सर्किट, ये हमारे 4 रूम के हैं, किचन का है, ब्रांडे का है, टॉयलेट का है, यानी कि 7 सर्किट हैं टोटल। और ये जो 2 वायर हैं, आप सोचोगे इसमें न्यूट्रल फेस का कैसे पता चलेगा, जो 2 वायर हमने लोड के हिसाब से डाली, यहाँ पे लोड है लगभग 8 किलो वाट लोड है, तो हमने यहाँ पे 4 mm की वायर डाली है, जो 4 mm की वायर है वो 10 किलो वाट तक लोड ले लेती है। और ये जो वायर है, वायर को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें हमने निशान लगा रखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, टेप लगाते हैं, बट हम निशान लगाते हैं। कई जगह पे क्या होता है, एक कलर से हमको पूरे घर की वायरिंग होती है, ऐसा भी हम करते हैं। आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, एक कलर से कैसे वायरिंग करते हैं,
किस हिसाब से कोडिंग करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। और दूसरे चैनल की तरह नहीं है कि मैं यही वीडियो को 3-4 पार्ट में लेके आऊँ, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी है। ये जो अभी आपने दो वायर देखी है, देखो मीटर हमेशा क्या होता है, बाहर ही लगता है, तो ये देखो बाहर हमने वायर निकाल रखी है। यहाँ पे क्या है, स्विच बोर्ड लगेगा बेल का, यानी कि यहाँ पे घंटी लगेगी बेल स्विच। तो यहाँ पे बेल स्विच की वायर आई है, यहीं से हमारी आई है मेन वायर। जो दो वायर आप देख रहे हो, ये दो वायर लगेंगी मीटर में, मीटर से जो आउटपुट निकलेगी उसमें लगेगी। और जो रेड और ब्लू वायर है, जो वो वायर है, वो वायर उसकी है बेल स्विच की। थोड़ी सी वायर लॉन्ग रखनी पड़ती है कि मीटर कहीं भी लगा सकते हैं वो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो और शेयर जरूर करना, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। फ्रेंड्स, इसका पार्ट 4 बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें मैं RCCB की वायरिंग करूँगा।